वाराणसी में हो रहे लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के खिलाफ सपा की ओर से टिकट उम्मीदवार बीएसएफ के बर्खास्त जवान तेज बहादुर का नामांकन अब रद्द कर दिया गया है। तेज बहादुर यादव ने एक ही नहीं बल्कि दो दो नामांकन में अपनी बर्खास्तगी की सूचना को छुपाया था। नतीजन इस पर चुनाव आयोग ने मंगलवार को नोटिस जारी कर दिया और साथ ही नौकरी से हटाए जाने का प्रमाण पत्र देने को कहा, लेकिन वे अपना प्रमाण पत्र जमा नहीं करा पाए, जिसके बाद चुनाव आयोग ने तेज बहादुर यादव की पर्ची खारिज कर दी। और अब वाराणसी में छठे चरण में 12 मई रविवार को मतदान होगा। कानून विदों से सलाह कर रही है सपा। आयोग ने फैसले को लेकर अब कानून से विचार विमर्श कर रही है। संभवतः पार्टी सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। सपा ने पहली शालिनी यादव को टिकट दिया था, लेकिन तेज बहादुर यादव को समर्थन के बाद शालिनी ने निर्दलीय पर्चा भरा है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।